नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए अचार में काम आने वाले बहुत उपयोगी टिप्स लेकर के आई हूँ, जिससे आपका अचार सुरक्षित भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहला टिप है, अगर आप मेथी दाने का अचार डालने जा रहे हैं तो मेथी दाने को रात भर सोख कर दीजिए, 4-5 घंटे पंखे की हवा में साफ सूती कपड़े पर फैला लीजिए और सुखा कर उसके बाद ही आप अचार में मिलाएं, इससे आपका अचार खराब नहीं हो। दोस्तों, दूसरा टिप है कि जब भी आप मीठा अचार बनाएं, गुड़ का या शक्कर का, तो सबसे पहले नमक, मेथी दाना और कलौंजी डालकर उसको हल्का सा गल जाने दें, उसके बाद ही उसमें आप गुड़ मिलाएं। अगर आप पहले गुड़ मिला देंगे तो जो हमारा आम है ना, वो एकदम चीचड़ जैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तीसरा टिप है दोस्तों कि जब भी आप किसकर आम का अचार डालें, इसको हम चटनी अचार या लच्छा अचार बोलते हैं, तो आप इस तरह से निचोड़कर उसका पानी निकाल दें और उसके बाद डालें, इससे आपका अचार खराब भी नहीं होगा और इससे जो दिखने में है ना, लच्छे अलग अलग दिखेंगे, जो बहुत सुंदर दिखता है। टिप नंबर 4, अगर आप आम का अचार डालने जा रहे हैं तो इस तरह से ऊपर से काट कर बिना जाली के डालें, तो इससे क्या होगा, एक तो तेल मसाला कम लगता है और इस तरह से डालने वाला अचार है ना, जगह भी बहुत कम घेरता है, तो एक बार आप ऐसे डालकर देखिए। टिप नंबर 5, अगर आप पहली बार अचार बनाने जा रही हैं और आपको मसालों के रेशियो का अंदाजा नहीं है, तो आप बाजार जाइए, इस तरह से रेडीमेड मसाला मिलता है जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या करिए, जिसका भी अचार डालना है, तेल गरम कीजिए, उसको मिलाइए और मसाला मिला दीजिए, अचार आपका तैयार हो जाएगा और ये अचार बहुत अच्छा और टेस्टी बनता है। नंबर 6, अगर आप कटहल का अचार बनाने जा रही है तो कटहल को उबालने की जगह आप तेल को गर्म कर लीजिए, जब तेल धुआं छोड़ दे उसके बाद गैस बंद करके आप इसमें कटहल के टुकड़े डाल दीजिए, इसको चलाइए और गैस को फिर से चालू करके स्लो कर दीजिए, एकदम से इसे ढक दीजिए और जब ये हल्का सा नरम हो जाएगा ना, तो आप इसमें गुनगुने में ही अचार का मसाला मिला दीजिए, एकदम टेस्टी और बढ़िया अचार बनकर तैयार हो जाएगा, जो साल भर तक खराब नहीं होगा, क्योंकि इसमें नमी बिल्कुल नहीं रहती है ना, इसलिए अचार साल भर तक आराम से चल जाता है। नंबर 7, जब भी आप कटहल का अचार डालें तो 1 किलो कटहल में लगभग 250 ग्राम आप कच्ची केरी जरूर मिलाएं। केरी क्या है, उसमें प्रिजर्वेटिव का काम करती है और अचार को खराब होने से रोकती है। नंबर 8, जब भी हम प्लेट पे अचार सर्व करते हैं, जो तेल है ना, वो प्लेट में लग जाता है और कई बार तो तेल के कारण ना, कुछ लोग अचार खाने छोड़ देते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक सिंपल सी कटोरी लीजिए, घर की एक चाय की चलनी केवल अचार के लिए फिक्स कर दीजिए और इस तरह से कटोरी के ऊपर आप चलनी लगाइए, चलनी में आप अचार डाल दीजिए और इसको 10 से 15 मिनट के लिए लगभग छोड़ दीजिए, तो 10-15 मिनट के बाद में आप क्या देखेंगी कि जो अचार जो है वो ऊपर से सूख गया है और नीचे जो कटोरी है, कटोरी में तेल आ जाता है, तो ये जो बचा हुआ तेल है ना, इसको आप वापस से जार में डाल दीजिए और जो सूखा हुआ अचार है उसे आप प्लेट में सर्व कर दीजिए। ये देखिए, अचार एकदम सूखा हुआ है और जो तेल है वो नीचे आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इस तेल को वापस से जार में डाल देते हैं, देखिए इस तरह से। नंबर 9, अचार को जार में भरने से पहले आप क्या करें कि तवे पर इस तरह से हींग डालें और जो खाली जार है उसको आप तवे पर इस तरह से, देखिए इस तरह से आप है ना, तवे के ऊपर थोड़ा सा रख दीजिए, टिकाना नहीं है एकदम तवे पर, थोड़ा सा ऊपर रखना है, तो इससे क्या होगा, जो हींग का स्मोक है, धुआं है, वो जार के अंदर आ जाता है और ये जो है वो हमारे अचार को सुरक्षित रखता है, प्रिजर्वेटिव का काम करता है।